हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय कुमार। आज अभी देखिए कढ़ाई में प्याज और मिर्चा डाल दिए हैं। प्याज और मिर्ची है, अब ये केला चना और आलू और टमाटर मिलाएंगे। आलू, केला, टमाटर, चना, ये तीन चीज को मिला के सब्जी बनाने जा रहे हैं। पहले इसमें प्याज, तेल, प्याज और मिर्चा डाल दी। अब इसमें हम पहले भूनने वाला आइटम डाल लेते हैं, जैसे हो गया केला, चला, और इसको खूब अच्छा तरह से मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा नमक एक चम्मच डाल दिए। और थोड़ा देर के लिए इसको ढक दिया, थोड़ा रकम कुछ काम है वो कर लेते हैं। ये टमाटर को डालना है और उसके बाद आलू डाल देना है। मैं अब इसे उबालता हूँ, बहुत देर तक भाप लगा दी और इसको ये देख के इतना अच्छा तरह से भाप लग चुका है और इसके धीरे धीरे खोलने के बाद है उसे आपको चलाना है। अब इससे मैं टमाटर और आलू दोनों डाल दिए हैं, अब इसे मिला देना है। उस टाइम मैं एक चम्मच नमक डाला था और फिर से मैं एक चम्मच नमक डाल दे रहा हूँ। और अब इसे नमक को मिला देना है चारों तरफ और फिर से कुछ देर इसे ढक देना है ताकि टमाटर को गलना भी चाहिए। ये देखिए, अब मैं इसे उभारता हूँ। वाह, ये तो सारा का सारा टमाटर देखिए गल गया है। अब जो टमाटर नहीं गला हुआ होगा उसे छोली के माध्यम से ऐसा चलाना है कि आपका केला जो है वो ना कट जाए, ना साथ में कुछ हो। बस धीरे 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 ओलिव टमाटर में चलना है और फिर इसके बाद देखिए ये टमाटर सारा का सारा गल चुका है। इसे अच्छा तरह से मिला देना है। आलू, केला, देखिए सब सही है, सब सही है। टमाटर गल गया है बहुत अच्छा तरह से, आलू केला भी बच गया मेरा। ये देखिए ये केला है, मेरा केला बच गया। और इसके बाद इसमें अपना अनुसार हल्दी डाल सकते हैं, अपना अनुसार हल्दी डाल दीजिए। बस अंदाज से कि इतना हल्दी में मेरा हो जाएगा
हम तो सिर्फ अपने भर खाना बना रहे हैं, अपने भर सब्जी बना रहे हैं, तो अपने ही अनुसार न डालेंगे हल्दी जी, इसलिए हम अपना अनुसार हल्दी डाल दिए हैं। और इसे मिला दीजिए, प्रॉपर मिला देना अच्छा तरीका से। उसके बाद कुछ देर फिर से ढक दीजिए, कि आपका जो हल्दी है चारों तरफ घूम जाएगा, अच्छा तरह से प्रॉपर मिल जाएगा। आ गया दिल चुराने में। अब इसे आप उठा लिए, साइड बहुत अच्छा आ रहा है। ओह लारे निकाल, इसमें अपना अनुसार से पानी डाल कि आप कितना खत्म कर सकते हैं। अकेले हैं तो अपने हिसाब से डालते हैं। हाँ, एक गिलास पानी, और ये देखिए पानी थोड़ा सा है, इसे अच्छा तरह से प्रॉपर पानी में मिला दीजिए। और इसे आप ढक दीजिए, ताकि ढकने से जल्दी ढकेगा, जल्दी सिझ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसे उघाड़ देता हूँ। साइड तो बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसे चला लीजिए और देखिए आलू सिझा है या नहीं। आलू प्रॉपर सिझ चुका है बहुत अच्छा तरह से। और देखिए हम एक गिलास पानी डाले थे, उसमें थोड़ा सा सूख गया, तो ये मेरा अनुसार से सब्जी बन गया है। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल। अरे लाल दुपट्टे वाली सब्जी आपका बन चुका है। अब आप इसे उतार दीजिए कपड़ा के माध्यम से।